मस्टर्ड हो गया है। डायगनल मेथड का यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना रहता है। वैसे जैसे मान लें आप 25 हैं, 25 का अगर चलने जाए क्या हमें 25 का अगर स्क्वायर निकालना, तो हम नॉर्मल क्या करते हैं, 25 में 25 का गुणा कर देंगे तो उसका एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन एक मेथड और होता है जिससे हम स्क्वायर निकल जाएगा। एक मेथड और होता है जिससे हम स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें हमको गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो डायगनल मेथड बनाने के लिए करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बॉक्स बनाना पड़ता है। यहाँ कितना नंबर, 1 और 2। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाएंगे स्क्वायर में, ठीक। यहाँ पे पहले देखेंगे कितना नंबर है, 2 नंबर है, यहाँ पे 2 बॉक्स बन गया। और बीच में से ऐसे कर देंगे, 2 नंबर का दो दो इधर से हो गया और 2 इधर से हो गया, ठीक। अब जो नंबर यहाँ पे, और इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ से इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, फिर यहाँ से इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है। ये 2 और 5, 2 को यहाँ लिख देंगे फर्स्ट वाला नंबर, और दूसरा वाला नंबर यहाँ लिख देंगे। और वही काम इस साइड राइट साइड में करेंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे और 5 यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अब हमको क्या करना है, 2 का गुणा 2 में करना है, फिर 2 का गुणा 5 में करना है, फिर 5 का गुणा 2 में करेंगे, फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे। अब बताओ, और जो नंबर हमको पहाड़ा पढ़ने के बाद जो नंबर आएगा उसको इसमें हमको भर देना है। जैसे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो कितना होगा, 4 4 आएगा, 4 हमको सिंगल नंबर मिल रहा है। ये नंबर खाली हो जाएगा, लेकिन 4 के अगर हम 0 लिखेंगे तभी इसको 4 ही बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 0 लिख देंगे और यहाँ पे 4, ठीक। और फिर 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 10 10 का आगे वाला नंबर 1 यहाँ पे और पीछे वाला नंबर 0 यहाँ पे। समझ में आया? अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दुना कितना होता है, 10 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, मतलब 2 नंबर आ रहा है, 2 नंबर। तो पहला वाला नंबर ऊपर भरेंगे और नीचे वाला नंबर उसके नीचे वाले पे। समझ में आ रहा है? जैसे 1 आया तो ऊपर भर दिया, 0 नीचे। अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार, 5 25 25 25 में आगे वाला नंबर 2 यहाँ भर देंगे, 25 का पीछे वाला नंबर 5 यहाँ पे। इतना समझ में आया? 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 4 आया, 0 4 लिख दिए हैं। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा है, 10 10 का आगे वाला नंबर ऊपर, नीचे वाला नंबर पीछे। फिर 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़े हैं, 5 गुना 10 हुआ है, 1 इसमें भर दिए हैं, 0 इसमें, 1 आगे वाला नंबर आगे और पीछे वाला नंबर पीछे भर दिए हैं। 5 का पहाड़ा फिर 5 बार पढ़े हैं, 25 आया, 25 5 5 25, 2 ऊपर भर दिए हैं, 5 नीचे, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, जो भी नंबर ऐसे है इसको ठीक इसी लाइन में जोड़ देना है। जैसे इस बॉक्स में कितना है, 5, तो यहाँ पे सिर्फ हम 5 ले देंगे, 0, और इस लाइन में जो भी नंबर है इन सबको जोड़ देंगे, 0 2 और 0 कितना हो जाएगा, दो दो ही होगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 1 4 और 1 कितना हो जाएगा, 6 6 6, और यहाँ पे 0। अब ये सभी नंबर को ऐसे जैसे है इसी को ऐसे लिख देना है, 6 2 5। इसका आंसर कितना आ रहा है, 625, यानी जो नंबर यहाँ पे आया है इसको ऐसे करके बस लिख देना है, तब हमारा हाथ जो भी इसका आंसर होगा आ जाएगा। यानी 25 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 625। 25 का स्क्वायर 625। अगर हम 25 में 25 का भी गुणा करते हैं, चेक कर लेते हैं इतना आता है कि नहीं, 5 5 25 का 5 हासिल 2 2, 5 दुना 10 10 दो 12, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 दुना 4 5, ये 5 हो गया, ये 2, 1 और 6, 625 सेम सेम आंसर आ गया। यानी अगर हम ऐसे भी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 नंबर का था, हम 1 3 नंबर का देख लेते हैं, ठीक है, मिटा दे रहा उसको। स्क्वायर हम गुणा करके भी निकाल सकते हैं, उसी नंबर में उसी का गुणा, और हम डायगनल मेथड से इसका रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 6 है, हम ले लेते हैं 3 3 नंबर हो गया। अब हम जो 2 बॉक्स बनाए थे यहाँ पे, कितना बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स। देखो एक दो तीन हो गया, वही काम इधर से भी, 1 1 2 3 हो गया। समझ में आ रहा है? अब बीच में ऐसे बना देंगे,
सभी बॉक्स में एक ही तरफ से इधर लाइन खींचेंगे, एक ही तरफ से लाइन, इधर उधर नहीं। एक ही तरफ से लाइन खींचेंगे और सभी नंबर को, चार को पहले वाले बॉक्स के ऊपर, छह को दूसरे वाले बॉक्स के ऊपर और तीन को तीसरे वाले। अब इन्हीं नंबर को हम ऐसे नीचे सीरियल नंबर से उतारेंगे, चार को यहाँ पे, छह को यहाँ पे, तीन को यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अब जैसे उसमें गुणा किए थे ठीक इसी प्रकार भी, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। चार का गुणा चार में होगा, चार का गुणा छह में, फिर चार का गुणा तीन में, फिर छह का भी वैसे, तीन का भी वैसे हम करते हैं। चार का गुणा चार बार हम पढ़ेंगे, चार का पढ़ा चार बार कितना होगा? सोलह। चार चार चौको सोलह, तो सोलह में का एक यहाँ पे आ जाएगा, छह नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? फिर चार का पढ़ा छह बार, चार छके चौबीस, चौबीस को हम दो ऊपर चार नीचे, फिर चार के बारह, बारह के एक यहाँ पे दो यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अगर हम दोनों को ऐसे करो सब, ये सोलह है, ये चौबीस, ये बारह। अब किसका पढ़ा पढ़ेंगे? छह का। छह का पढ़ा छह बार, चार बार पढ़ेंगे कितना होगा? चौबीस। चौबीस का यहाँ पे लिख देंगे दो ऊपर चार नीचे, फिर छह का पढ़ा छह बार, छत्तीस। छत्तीस का तीन ऊपर छह नीचे। समझ में आ रहा है? फिर छह का पढ़ा तीन बार, छत्तीस अठारह, अठारह का एक यहाँ पे आठ नीचे। इतना समझ में आया? अब तीन का पढ़ा पढ़ेंगे चार बार, फिर छह बार, फिर तीन बार। तीन का पढ़ा चार बार पढ़ेंगे कितना होगा? बारह। बारह का एक ऊपर दो नीचे, फिर तीन का पढ़ा छह बार, तीन छह अठारह, ठीक। अब तीन का पढ़ा तीन बार, नौ आएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे नौ हो जाएगा। जब दो नंबर नहीं आता, एक ही सिंगल नंबर आता है, ऊपर वाले नंबर में हम जीरो भर देते हैं और नीचे वाले नंबर में जो नंबर आया रहता है उसको भरते हैं। जैसे तीन का पढ़ा तीन बार पढ़ा है, नौ आया है, नौ के नौ सिंगल नंबर है, तो इसको नीचे लिखोगे और जीरो क्या करोगे? ऊपर लिख दोगे। अगर जीरो सोच रहे हो पीछे लिखने के लिए, तब तो नब्बे हो जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। इसके लिए हम आगे लगाते हैं। आ रहा सुनने? ठीक। अब ये जो भी नंबर आया इसको हम जोड़ना, इसको अब जोड़ना है। ये ऐसे जो बॉक्स में ऐसे अब हमको जोड़ना है ऐसे करके, यहाँ से यहाँ पे सिर्फ कितना है? नौ। आठ और आठ कितना हो जाएगा? सोलह। सोलह यहाँ पूरा लिख देंगे, एक और दो तीन, तीन छह नौ, नौ एक दस, दस दो बारह। हाँ कहाँ कहाँ से इसी में का ले लेंगे, जितना जितना आएगा उतना उतना ले लेंगे। दो एक तीन, तीन छह नौ, नौ एक दस, दस दो बारह। अब इसमें का जो है इसको पूरा जोड़ेंगे, एक और चार पाँच, पाँच तीन आठ, आठ चार बारह एक तेरह। आया समझ में? दो छ आठ, आठ दो बारह, और यहाँ पे एक है, इसको एक ले देंगे। अब इसमें का जो भी लास्ट वाला नंबर है, इन सभी नंबर को हम जोड़ेंगे। इसमें क्या है? नौ, इसको यहाँ पे नौ लिख देते हैं। इसमें क्या है? छह, यहाँ पे छह लिखोगे और ये जो एक है ये इस वाले में हाथ से लाके जुड़ जाएगा। एक जो आगे वाला नंबर है, पीछे वाला नंबर को हम लिख देंगे और ये आगे वाला नंबर आके हाथ से जुड़ जाएगा। एक में दो जोड़ेगा कितना हो जाएगा? तीन, तेरह हो जाएगा, तो यहाँ पे तीन लिख देंगे। और फिर इसमें का जो आगे वाला नंबर है इसमें आके जुड़ जाएगा, तो एक और तीन कितना हो जाएगा? चार। फिर इसमें का जो आगे वाला नंबर है इसमें आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक लिख देंगे और ये नंबर इसमें जाके जुड़ जाएगा, दो। इतना आएगा हमारा आंसर। फिर से समझो, अब इसमें समझो, नौ यहाँ पे यहाँ आ गया, पीछे वाला नंबर छह यहाँ पे लिख दिए, आगे वाला नंबर क्या होगा? इसमें जाके जुड़ जाएगा, इसमें का आगे वाला नंबर इसमें जाके जुड़ेगा, तो दो में एक जोड़ देंगे तो तीन हो जाएगा। फिर इसमें का नंबर इसमें जाके जुड़ जाएगा, तो तीन में एक जुड़ेगा तो चार। फिर इसमें का आगे वाला नंबर इसमें जाके जुड़ेगा, जीरो और एक कितना हो जाएगा? एक। और ये वाला नंबर जाके इसमें जुड़ जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा? दो। अब समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? अब चेक कर लेते हैं सही आंसर आया है कि नहीं। तब क्या करोगे? चार सौ तिरसठ को चार सौ तिरसठ में गुणा कर दोगे, यानी चार सौ तिरसठ है यहाँ पे, चार सौ तिरसठ में गुणा करके देखो आंसर सही आया कि नहीं। तीन का पढ़ा तीन बार पढ़ोगे तो नौ, तीन का पढ़ा छह बार पढ़ोगे अठारह का आठ हासिल एक, तीन चौ को बारह, बारह एक तेरह, छत्री अठारह हासिल एक, छह छह को छत्तीस, छत्तीस एक सैंतीस हासिल तीन, फिर छह चौ को चौबीस, चौबीस तीन सत्ताईस। अब चार तिया बारह हासिल एक,
चार छः चौबीस, चौबीस एक पच्चीस, हासिल दो, चार छः को सोलह, सोलह दो अठारह, जोड़ के देखते हैं, नौ यहाँ पे, आठ आठ सोलह का छः हासिल एक, सात तीन दस दो बारह, बारह एक तेरह का तीन हासिल एक, सात एक आठ, आठ पाँच तेरह, तेरह में एक जोड़ देंगे तो चौदह हासिल एक, आठ दो दस, दस एक ग्यारह का एक हासिल एक, और एक में जोड़ जाएगा तो दो, जो आंसर सेम सेम आया है, यही सेम सेम आंसर यहाँ पे आ गया। यानी डायग्राम मेथड का सिर्फ यही रूल है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर तुमको ऐसे निकालना तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुमसे पूछ रहा है डायग्राम मेथड से करिए तो आपको ऐसा करना होगा। समझ में आ रहा है? एक और बताऊं? नो सर। यस सर। ठीक है, अब तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ, तुम लोग करके दिखाओ, लिख लो इसको, यहाँ कितना हो गया है? इसको लिख लो, उसके बाद से यहाँ पे मैं जो दो दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसका आंसर इतना है। ठीक, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल के दे रहा हूँ, पहले दो नंबर का फिर तीन नंबर का, यहाँ पे कर लेना तुम चौदह का, फिर कर लेना अठारह का, तीन नंबर में एक दो, एक सौ तेईस का कर लेना, चार तीन पाँच का कर लेना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे तीन दो चार का कर लेना, इतना तुम दो निकालो, पाँच दिया गया है, पाँच निकालना है। पूरा समझ में आया ना एकदम? जितना नंबर है उतना है, इधर बॉक्स, जैसे यहाँ पे तीन नंबर है तो तीन बॉक्स बनाएंगे, और इधर से भी तीन बॉक्स बनाएंगे, और बीच में से ऐसे लाइन खींचेंगे, आंसर आने के बाद पूरा ऐसे इसको जोड़ देंगे। इसको पूरा सॉल्व करो।